Please welcome to me and Taro. तो आज है 13 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डू रीडिंग। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये है आज का टॉपिक एंड वी गॉट दिस न्यू सेटअप फॉर जस्ट टाइम बीइंग। ओके, और ये है तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला ये लाइफ नेविगेटर, देन वी गॉट द टैरो, देन वी गॉट द मून मैजिक। ठीक है, चांद का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, चांद पानी को अफेक्ट करता है एंड वी हैव 70% ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो मन का भी कनेक्शन देख सकते हैं, लाइफ नेविगेटर व्हाट वी नीड टू डू एंड लाइक जो भी हो रहा है एंड द टैरो टू गाइड आवरसेल्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, देन मूव ऑन टू द लाइफ नेविगेटर एंड लास्टली टू द मून मैजिक। ठीक है, देखते हैं सुबह सुबह की एनर्जीज हमें क्या कहती हैं एंड हियर वी गो। ओके, चलो चलते हैं और थोड़ा सा शफलिंग। चलो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल 6 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, आई हैड अ स्टैंड ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट आउट। अगर यहाँ पे है तो मैं लूंगा। यस, आई फाउंड इट। ठीक है, तो 6 कार्ड है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, हियर वी गो, आई पुट द कार्ड्स ओवर हियर स्टैक इन स्टैक। ठीक है, सो हैव यू कुड सी द कार्ड एज वेल। ठीक है, ये है जस्टिस का कार्ड, इफ यू कैन सी। ओके, ये है लीब्रा का कार्ड, जस्टिस आ गया है, सो आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, सो जस्टिस का मतलब क्या है, पहले स्थान पे जस्टिस, व्हाट डज इट मीन। भाई लीब्रा का ये फोर्टे साइन है एंड जस्टिस का प्रथम स्थान पे आना ये निर्देशित करता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है ये जस्टिस डिनोट करता है। ठीक है, मतलब सिंस द मॉर्निंग वो चाहता है कि या तो आपकी जो यू नो अर्ली इन द मॉर्निंग राइज होने की जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं ग्रो अप होने की जरूरत है। ठीक है, अब ये कैसे है कि मान लो आप जल्दी नहीं उठते या फिर किसी का कहना नहीं मानते। ठीक है, सुबह सुबह ज़्यादा जो अपना समय है वो थोड़ा वेस्ट करते हो रिगार्डिंग समबडीज थॉट या फिर कहते हैं ना कि फ्रूटलेस थॉट्स, कैसे कुछ थॉट्स के जिनका मतलब ही नहीं बनता, दुख ही नहीं बनता, उनके बारे में सोचना, सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ देखना, दिन की शुरुआत खराब करना, यू नो एंड कुछ ऐसी अटपटांग सी चीज़ें, तो ये आप ना करें, ये कहीं ना कहीं शायद इनके मन में आ सकता है। सेकेंडली, कि आप में और कौन से बदलाव आ सकते हैं इसके बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं। देखो, ये पर्सन आपके बारे में जेन्युइनली सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत बेहतर हो। अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड हैव समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, यही उनकी कोशिश रहती है। ठीक है, सो बीइंग जस्टिस एट दिस पॉइंट डिटरमाइंस कि भाई ये पर्सन चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चुनौती भरे एंड प्रैक्टिकल बदलाव हो, ठीक है, ताकि आपका जो आने वाला कल है वो और भी ज़्यादा सुंदर और बेहतर हो। ओके, लीब्रा आता है फ्रॉम दी सोर्स फैमिली। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो बनता ही यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन में अगर आप इनको ढंग से जवाब नहीं दे रहे हो या फिर कोई ऐसे इश्यूज है तो वो भी शायद आपको कहना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर आप प्रे रेगुलरली नहीं करते या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देने को कहते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक मकसद है आपके पास एक मैसेज पहुंचाने का। सेकेंडली, अगर आप ज़्यादा समय अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं एंड अपनी फैमिली के साथ नहीं तो वो भी एक इशू हो सकता है रिगार्डिंग दिस पर्सन। सेकेंड कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, एज यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। भाई बिगिनिंग जब अच्छी होती है तो शुरुआत भी अच्छी होने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की शुरुआत हो रही है। कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि आप एक दूसरे के साथ किस लेवल से कम्युनिकेट करते हो। जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन आते हैं यहाँ पे, पर मिथुन राशि तो बहुत ज़्यादा बातें करती है, आपको पता ही होगा, एंड वो काफ़ी सेंटर अट्रैक्टिव भी होती है। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या है कि एक न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। ठीक है, जब आप अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ समय बिताते हो तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना बोलते हो, क्या बोलते हो, बिकॉज बातें बस बनती ही जाती है, राइट। लेकिन ये पर्सन क्या कहता है कि भाई बातों का तुक बनना चाहिए, यू शुड बी अंडरस्टूड, यू शुड बी वेरी पावरफुल टू हैव अ होल्ड ऑन समबडीज माइंड। तो मे बी अगर आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू है या फिर कहीं कोई इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है आपकी फैमिली में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, तो ये पर्सन चाहता है कि आप और ज़्यादा फोकस करें। ठीक है,
मे बी कभी आपने भी इनकी हेल्प की थी, आज ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। किसी भी हालत में आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव ना आ जाए, एंड यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शायद कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप ध्यान नहीं देते हो या फिर आप चीज़ों को निगलेक्ट करते हो। कई बार आपने सुना होगा ना कि इंटरव्यू और भी अच्छा जाता अगर थोड़ा सा और स्टडी करते, नहीं कि स्टडी तो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, यू नो। सो अगर आप में वो काबिलियत है तो क्यों वेस्ट करना, यही उनका आपको कहने का मकसद है। थर्ड जो कार्ड है वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अर्थ साइन आ गया, ठीक है। अब अर्थ साइन का मतलब क्या है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की भी मोर एंड मोर फोकस करना जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है, ना कि बस जो मन में है वो करना। तो ये भी यहाँ पे अच्छे ख्याल हैं भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि दिस पर्सन इज वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू, आपसे और ढेर सारी बातें सुनने के लिए पर्सन बेकरार है। लेकिन किस लेवल पे, कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है। मे बी आप में और ज़्यादा लड़कपन हो सकता है, या फिर आप बहुत बातूनी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते होगे, ठीक है। अब कई लोगों को लग सकता है कि मैं जिस पर्सन के बारे में कह रहा हूँ कि वो ऐसा सोचते हो, कौन है पर्सन, ठीक है। इट इज़ योर प्रेजेंट और योर पास्ट और योर फ्यूचर, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं। देखो भाई, जो आपको लगता है कि आपसे अगर रेजोनेट होता है तो ये आपका प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये भी लगता है कि हाँ पास में से कुछ कनेक्शन था तो ये पास का भी हो सकता है, नहीं मैच होता तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर का भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड्स कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो सबके सवालों के जवाब यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो आपको रिजोनेट होता है आप वही ले लीजिए, बाकी आपकी ज़िंदगी है और आपका डिसीजन है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, ये पर्सन वेट कर रहा है लेकिन इस खूबसूरती के साथ कि आप एक सही निर्णय लेंगे जो इनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए काफ़ी हद तक सही होगा। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वही टू ऑफ सॉर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन आ गया। लेकिन टू ऑफ सॉर्ड्स में क्या है कि भाई ये पर्सन बार बार आपको या तो आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, और आप शायद मना कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं पर्सन आपको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको कुछ नई शुरुआत करनी है, तो ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। इस इरादे से नहीं कि ये भी कुछ कमा सकता है, इस इरादे से कि भी आपके ज़िंदगी में और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा ईगो आड़े आता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, एंड आई बिलीव इन दैट पर्सन एंड दिस पर्सन। भाई ये ज़रूरी नहीं है, लोग आज आपके साथ हैं कल आपका साथ छोड़ भी सकते हैं। सो यू कैनॉट बिलीव इन पीपल फॉर जस्ट टाइम बींग, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि आज भरोसा क्या मतलब, यानी कि कल भी भरोसा रहेगा। तो ये पर्सन शायद आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सच में इसमें आपके ही मोटिव की बात है, आपके ही अच्छाई की बात है, तो सुन लो एक बार इस चीज़ को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बातें करने के बहाने से आपके करीब आना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो उनका एक अलग टाइमिंग होगा जहाँ पे आपसे मिलेंगे एंड यू विल हैव फन विद इच अदर। ये जो मोमेंटम है वो कि भाई कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तो क्या अड़चन है, इसके बारे में वो आपको ज़्यादातर सलाह दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये मोमेंटम है जो आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। आई थिंक ये जब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई मैसेज मिलेगा, कोई कॉल मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। जहाँ से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आज आप इनको अच्छी तरह से सुनेंगे, बातें करेंगे और यू विल हैव वंडरफुल टाइम टुगेदर, ये नहीं होता है और तब ये व्यक्ति अकेला पड़ता है, ठीक है। देखो, बात ये नहीं होती कि सुबह सुबह अगर आपके पास वक्त है या फिर दोपहर के पास वक्त है तो इस पर्सन के पास भी वक्त होना चाहिए, ये बेतुकी सी बात है। यहाँ पे जिंदगी में जैसे ही आप काम करने लगते हो, आपके उसूल बनते हैं, तो हर एक व्यक्ति बिजी हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि जिंदगी में बस सिर्फ मैं ही बिजी हूँ और आप नहीं बिजी, उनको भी अपना काम होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आप उनके दिए हुए समय पे नहीं मिलते, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल भी लाजमी नहीं होगा कि भाई आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और था और कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन वॉट अबाउट यू, तो ये पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं जो कि हर्ट हुई है। थ्री गॉट द लवर्स, जेमिनी, आज भी अगर आप इनके दिल में उतर के देखोगे तो प्यार अभी भी है, या तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा है कि जिनके साथ आपकी बातचीत होते होते रह गई, ओके। या तो आपने वो जॉब छोड़ दिया होगा, या तो आपने वो शहर छोड़ दिया होगा,
और ये पर्सन आज भी आपको याद करता है। सेकेंडली कहीं ना कहीं ये भी है कि ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकता है जो वापस से आपको याद कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुला रहा है, लेकिन याद जरूर कर रहा है। यू नो, ये पर्सन में भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मूव ऑन होने से रोक रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनकी ये फीलिंग्स भी हैं कि जो भी अच्छे पल आपने इनके साथ बिताए थे वो याद कर रहे, बिकॉज उनके लिए वो प्रेशियस थे। ठीक है, जहाँ पे आप दोनों मैच्योरली बिहेव कर रहे थे, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल थी, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था द लास्ट कार्ड, द लवर्स। इसका ये कोई टैरो का कार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं भाई लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ऑलमोस्ट 11 मिनट होने को आए हैं। चलो एक कार्ड मिल गया और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो हम ही चुनते हैं कार्ड्स। ये दूसरा, ये तीसरा एंड फाइनल चौथा। ठीक है, तो चलो ये कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। ठीक है, आई एम पुटिंग द कार्ड लाइक दिस, रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। देखो ये पहला कार्ड आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो बैलेंस मतलब ये नहीं कि आपने जो कहा वही होगा। आपने कभी देखा है कि आप जाते हो कहीं पे कोई चीज़ खरीदने के लिए, मान लो कोई सब्जी खरीदने के लिए गए और कहते थोड़ा सा और डालो, थोड़ा ये वजन होना चाहिए, तो ये आपके हिसाब से होता है ना, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता। अगर आप वहाँ पे ज्यादती करते हो, अगर आप वहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करते, तो आज ना कल रिश्ते को टूटना ही है। ऐसे कई सारे रिश्ते आपको मिलेंगे कि शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे एंड कपल बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही यूनिक था, लेकिन डिफरेंसेस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आप किसी के भी ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते, राइट? तो ये बात यहाँ पे आती है कि रिश्ते में आप में भी बहुत ही अच्छी बातें करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को भी कहो कि भाई तुम मुझे सुने, फिर जो मैं सुन रहा हूँ वही तुम सुनो। हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, डू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड रिकॉर्ड है वो है हेल्थ, जिसमें मैंने कहा कि अगर हेल्थ सही नहीं है, मे भी आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको और आप नहीं ले रहे हो, या फिर आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आपकी शायद कुछ अपेक्षाएँ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस पर्सन के लिमिट में नहीं है, तो दोनों मिलके एक अच्छा काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, जहाँ पे आपके रिश्ते की क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, हर बार जो आपने कहा वही होगा, पर जो इस पर्सन ने कहा वही होगा, ये होना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। क्योंकि कपल का मतलब है थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ा सा जो अपने मन में आए वो करना, राइट? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है लाइटिंग द डार्कनेस। भाई डार्कनेस तो हमेशा से ही था, लाइट को आपको हासिल करना था। आपने रिश्ता क्यों ढूंढा? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई आपके जिंदगी में इस रिश्ते से उजाला आएगा, राइट? तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड डू यू ट्रस्ट दैट दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क आउट। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता कोई ना कोई कमाल दिखाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है टू बी योरसेल्फ, है ना? इसके बारे में जरा सोचिए। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है लाइफ्स जर्नी। ये पर्सन तो भाई अपने जर्नी पे निकल पड़ा है, इसके हिसाब से जो भी इसको जिंदगी में मिल जाता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे वो डिफीट हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो। मान लो आज आप गुस्सा कर रहे हो, कल वापस से प्यार कर रहे हो, फिर वापस से नफरत कर रहे हो, ये पर्सन सबको हैंडल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि भाई जिंदगी का मतलब यही है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। लेकिन ये जो मतलब इन्होंने ढूंढ लिया है, क्या ये मतलब आपने भी ढूंढा है या नहीं, ये आपको खुद को पूछना होगा। एंड फाइनल देखते हैं कि भाई लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, बहुत ही हैवी रीडिंग अभी हो रही है मेरे हिसाब से। 14 मिनट तो हो गए, चलो ये कार्ड आ गया, 3 कार्ड बस हो गए। पहला जो कार्ड है भाई, आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। यस, दैट्स वंडरफुल थिंग। जो भी इस पर्सन के हाथ में वो कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि इसका ईगो आड़े आ रहा है, तो ईगो को रिलीज कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि भाई मैं बहुत ही छूट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनेगा। तो जितना इसके कंट्रोल में है, वो सभी चीज़ें करने की कोशिश जरूर करेगा फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप्स। सेकेंड कार्ड क्या है, आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। बहुत ही बड़ी बात है, मैं सिर्फ कुछ तत्वों को लेके नहीं बैठूंगा, मैं बदलता रहूंगा।
ठीक है। आपने अगर पानी को देखा होगा, कभी पानी बर्फ बनता है, कभी भाप बनता है, तो कभी लिक्विड साइड में बहता है, राइट। तो इसके कारण क्या होता है कि वी फील वेरी मच फ्लेक्सिबल, है ना। हम पानी को जमा कर सकते हैं, पानी को पी सकते हैं, हम पानी के कारण यू नो बारिश भी एंजॉय कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज देयर, व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंज इज देयर। अगर चेंज नहीं हुआ तो सोचो जरा इसके बारे में, ये पर्सन आपके लिए अगर बदल रहा है खुद को, तो आप क्यों नहीं बदल पाते, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड वो है, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। भाई ये अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छी बातों के लिए जगह बना रहा है, तो अगर आप इनके जिंदगी में एक अच्छी बात क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपके कारण और इनके कारण जिंदगी में कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही, सो आप दोनों के लिए आगे बढ़ना ये एक ऑप्शन हो सकता है। विथ रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।